प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे आपका HDFC का रुपए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। पे के ऊपर क्लिक करके आपको पेमेंट को दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड, अगर आपके पास काफी सारा क्रेडिट कार्ड है, अगर आप चाहते हो एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करने के लिए, तो काफी ज्यादा इजी प्रोसेस के अंदर बात करने वाला हूँ। एक भी रुपए चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला है। सिंपली आप अपने क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर सकते हो, आपके पास रुपए कार्ड हो या फिर वीजा कार्ड हो। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, एक एक स्टेप बताया हूँ कैसे आप अपने रुपए कार्ड से अपने क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर लेना है या फिर से वीजा कार्ड को पेमेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो पेमेंट जो है SBI कार्ड का 51,625 रुपीज है, जो कि हम लोग पेमेंट करने वाले हैं टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड से, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। एक भी रुपीज आपको चार्ज जो है दोस्तों नहीं देना पड़ेगा एक कार्ड से दूसरे कार्ड का अगर बिल को पेमेंट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको अपने फोन पे को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन UPI, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये तो रुपए कार्ड से पेमेंट करने के लिए तो UPI के अंदर आप ऐड करके कर सकते हो, लेकिन वीजा कार्ड मास्टर कार्ड है तो उसमें कैसे करना है, उसमें कैसे फ्री चार्ज कर सकते हो, तो उसके लिए भी लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। पहले इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं पेमेंट को एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में। रिसेंटली बताया था टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों अभी के टाइम में लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। अभी तक अप्लाई नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो है HDFC को ब्रांडेड है, तो यहाँ पे HDFC को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे फिच योर अकाउंट डिटेल्स बोल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है फाइंड आउट कर लिया गया है। अब क्या करना है, सेट पिन करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड के लास्ट का 6 डिजिट डालेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डालना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद से आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, OTP को डालेंगे। डालने के बाद सिंपली यहाँ पे करना क्या है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ATM पिन जो भी आपने पिन बनाया है अपने क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे डालना है, ठीक है। अभी रिसेंटली वीडियो उस पर भी बनाया हूँ तो उसको जरूर से देख लीजिएगा कैसे आपको पिन जनरेट करना है टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड का। ATM पिन डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। दोबारा से आपको डालना है क्रेडिट कार्ड का पिन, इसके बाद से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पे कंफर्म 4 डिजिट UPI पिन आपको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी पेमेंट करो तो जैसे नॉर्मली बैंक हम लोग पेमेंट करते हैं तो UPI पिन डालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे डालना है। इसके बाद से थोड़ा समय दोस्तों आपको वेट कर लेना है। जैसे आपका सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपका UPI पिन जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। सिंपली यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका रुपए कार्ड दिखाना स्टार्ट कर देगा। आपको अपने स्टेट बैंक सिंपली सेफ क्रेडिट कार्ड का बिल को पेमेंट करना है, तो सिंपली यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन प्रोसीड का, सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड देख सकते हो कि आपका जो भी टोटल अमाउंट होगा यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, पूरा फुल पेमेंट करना है, तो करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI की मदद से कर सकते हो। UPI सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद से पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड आप देख सकते हो एक तो है QR कोड आप सिलेक्ट कर सकते हो, UPI के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद से आपको QR कोड को यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे भीम UPI और मेक पेमेंट जो है QR कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, सिंपली करना क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद से आपको आना है अपने फोन पे के अंदर, यहाँ पे आएंगे एक ऑप्शन स्कैनर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे आपका HDFC का रुपए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। पे के ऊपर क्लिक करके आपको पेमेंट को दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप देख सकते हो हमारा पेमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट दोस्तों कंप्लीट होते ही यहाँ पे 24-48 घंटे के अंदर जो है दोस्तों आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर आपके पास दोनों दोस्तों वीजा कार्ड है तो सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पे जाकर क्लिक करके आप देख सकते हो कि वीजा कार्ड से वीजा कार्ड क्रेडिट कार्ड में कैसे पेमेंट को करना है, काफी ज्यादा आसान है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।